अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है आइसिंग स्पाइस विद यूस्ट्रा में हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़े। इस तरह से मज़ेदार शाही टुकड़े आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस। ठीक है, ब्रेड के स्लाइसेस लेके हमने ऑयल में इसे फ्राई करना है। आप चाहें तो आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस लेके हमने इसको बीच में से कट किया, ट्रायंगल शेप दे दिया और फिर इसको हमने घी में इस तरीके से फ्राई करना है। ठीक है, जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम तरीके से सबको फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर एक पतीली में हमने लेना है दूध, इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप चीनी। आधा किलो दूध में आधा चीनी डाली है मैंने। ठीक है, फिर इसे मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक इसमें उबाल आता रहेगा, 5 मिनट तक इसमें उबाल आने देंगे। मुसलसल मीडियम आंच पे इसे उबाल आने देंगे ताकि इसके पक पक के थोड़ा गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। कोई भी फ्लेवर में आप कस्टर्ड पाउडर सिर्फ 1 चम्मच लेंगे, उसमें पानी में उसको घोल के फिर उसमें दूध में ऐड कर देंगे। सिर्फ 1 चम्मच आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है, इसका ज़्यादा टेस्ट हमें नहीं देना, हमें दूध को ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। ठीक है, तो कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच लेके पानी में घोल के हमने मिला लिया है और फिर हम वापस इसे पकने दे रहे हैं। हमने दूध को ही ज़्यादा गाढ़ा करना है और यहाँ हमने पका के दूध को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि दूध हमारा आधा किलो से 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बचा है। ठीक है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं क्रीम, 2 चम्मच जितनी क्रीम ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून भर के वाली क्रीम। ठीक है, ऑल पर्पज़ की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फिर इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फिर हम 5 मिनट के लिए और दूध को पकाएंगे। फिर एक तरफ हमने शीरा तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 1/2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है। जितनी चीनी उसका डबल पानी लिया है। 1 इलायची शामिल कर रही हूँ और जब ये शीरा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें अपने ब्रेड के जो ब्राउन किए हुए हमारे स्लाइसेस हैं उसे हम डिप कर लेंगे इस तरह से, दोनों तरफ से फोल्ड करके और वापस अपनी ट्रे में सजा देंगे। इसके बाद जो हमने दूध बनाया था वो ठंडा होके और गाढ़ा हो गया, इसके ऊपर मलाई आ गई है। ठीक है जी, वो मलाई समेत हम अपना दूध इसके ऊपर पोर कर देंगे। इस तरह से हम सारा दूध डाल देंगे। ताकि हमारी ब्रेड स्लाइस सारी अच्छे से भीग जाए। फिर इस पर डेकोरेट किस तरह किस करना है आपके ऊपर है, जिस तरह से आपको दिल चाहे आप इसको डेकोरेट करें। मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ। ठीक है, हमने इस तरह से क्रीम ड्रिजल कर ली। अब इसके ऊपर हम खोया लगा रहे हैं। ये होममेड खोया है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ, वही यूज कर रही हूँ मैं, वही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। और इसके अलावा जो भी नट्स ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है और जो आप पसंद करते हैं डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं, वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये हमारे हो गए शाही टुकड़े रेडी। ठंडा सर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।